नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के अनाज मंडी में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर सभी मजदूर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और सेठ के मुनीम पर एक महिला बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है कि मेरे को गंदी गंदी गाड़ियां निकाली, मेरे कपड़े फाड़ डाले। अब जानते हैं ये क्यों आग बबूला है, पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी, ये बताएं। पूरी कहानी जी, मैं पत्थर पे खड़ी थी, कूड़ा काट थी, भैया ने मैंने गाड़ी ग्लोच का डी और मेरा कपड़ा फाड़ दिया, मुनीम आके मेरा मुनीम लिपट गो और मेरा थप्पड़ मारा जी मुनीम ने और भैया ने मारा जी पैसे की और मार पैसे की बस लड़का के मेरे लड़का के मारी वारा तक मारी मेरा लड़का वाला मेरा लड़का के मारी तू बोल ये कब की बात है ये कल 3 बजे की बात थी कल 3 बजे की बात थी मेरा लड़का के मारी मुनीम ने मारी और भैया ने मारी। अब इकट्ठे क्यों हो? कल एक मिनट रुको, कल 3 बजे की बात है, अब इकट्ठे क्यों हुए हो? हम नो सोचा भाई मुक गो, हम तो नो सोचा मुक गो, केस मुक गो भाई, गरीब आदमी में क्या लड़ाई करनी है, मुक गो कोई बात नहीं। हम मेरे बेटे को ऊपर केस करते, मेरे बेटा ने थाना में पकड़ा रखो, सी बंदूक ले अंदर करवा रखो मेरे बेटे को, लगवा रखा हमारे पे केस जिन्होंने की फतेहाबाद से आप मर्डर करके आए हो और यहाँ पे आके आपने बंदूक चलाई है, उन्होंने ये मुनीम ने करवाया सारा काम, मुनीम ने 1.5 लाख रुपए खा रखे हैं, मेरी मदद छोड़ 1.5 लाख रुपए खा गयो, दड़ी धोखा था वो मर गया, घबला खरीदता है माल बेचता जो जमींदारों का। और रुको भाई मैं बोल रहा हूँ, रुको भाई ऊपर से चप्पल दिखा दी है ये प्रदीप है जी, ये मकानों के लोन लून दुआ देता है जैसे मरम्मत वगैरह के, 80,000 पास हुए तो 10,000 अगले को देगा, 70 ये खाते हैं। कई लोगों के ऐसे केस हैं, मैं खुद एक केस में इसका फैसला कराने आया था, किसने आज तक उसको 1 भी रुपया नहीं दिया, और वो हमारा आदमी 58 नंबर दुकान पे आज भी काम करता है जी। अब एक बात आओ, अब आप लोग इकट्ठे क्यों हुए हो, सबसे बड़ी बात ये बताओ, एक बोलो, एक हम तो यहाँ इंसाफ चाह मुनीम को बाहर ले, उसको झुकको जी मारे डालो पैर पकड़ेगा, और हमारा लड़का जी चौकी में बिठवा दिया, इसने झूठा केस में टांग तोड़ दी, झूठा केस मार पीस हमारे छोरिया ले गया, कुंवारी छोरिया पीस हमारे ले ले खा गई हो, झूठा केस में मार कुछ भी कौन दियो, और मारी लुगाएगा मारी केस कर दी छोरा पे सेठ की जिनानी हमारे को चप्पल दिखा रही है जी, ऊपर से गाली निकाल रही है, समाज जब इकट्ठा हुआ है ना तो उसकी लुगाई हमें चप्पल दिखा के बोल रही है गंदे दाने का आगे हमारे समाज के बारे में। और जी हम ये चाहते हैं ये प्रधानगणी से हटाओ जी इसको, सेठ को हेलो मुनीम एक मिनट रुको, आपकी बात सुन ली मैं मुनीम की बात सुन के आता हूँ, एक मिनट आप यही रहना, आप देख सकते हैं यहाँ सभी मजदूर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, आप यही रहना, वो मुनीम कहाँ है, मुनीम जी कहाँ है, मंदिर है कहाँ है, 6 नंबर में मुनीम से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, भी वो क्या करना कहाँ है मुनीम जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मामला है। मुनीम जी कौन है जी, बाहर गए हैं क्या? तो मुनीम जी बाहर हैं तो कोई पक्ष रखना चाहता है क्या जी, कोई है कोई पक्ष नहीं रखना चाहते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ जी उनका भी व्यू ले लो, वो पक्ष नहीं देना चाहते तो हाँ, तो यहाँ पर दूसरे पक्ष का भी पक्ष कोई रखना चाहते हो रख दियो जी, लाइव चल रहा है, कोई पक्ष रखना चाहते हो, कोई सफाई देना चाहते हो तो दे दियो जी, हाँ तो कोई बात बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये बता दो अभी आपस की लड़ाई है इनकी, ये मजदूरों की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है आपस की। अच्छा, और वो मिल हमारे प्रधान जी आ गए हैं, वो बैठकर और सोमनाथ जो लेबर यूनियन के प्रधान है उसमें आपस में बातचीत होगी और वो इसको सुलझा देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ प्रधान जी, बाकी प्रधान जी से क्या मामला है जी? प्रधान मामला तो ऐसे है जी, मंडी है, भीड़ भाड़ है, जगह नहीं, कम है, ऊपर है नीचे, झगड़ा हो गया, अब बैठ के इनका मामला सुलझा देते हैं। ये कह रहे हैं अभी गाड़ियां निकाली, कपड़े फाड़ दिए, ये कोई आरोप लगा रहे हैं वो आरोप जी, मैं कोई बीच में तो बैठा नहीं,
तो कोई बात होती है, कोई झगड़ा होता है तो गाली गलौज कोई हो जाती होगी आपस में, ये आपस में ही लड़े हैं, कोई इसमें किसी आड़ती का कसूर नहीं, किसी और का कसूर नहीं, आपस में मजदूरों का झगड़ा है, बैठ के मामला सुलझा लिया जाएगा। अभी घंटे डेढ़ घंटे में सुलझ जाएगा ये, घंटे डेढ़ घंटे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आड़ती एसोसिएशन के प्रधान का कहना है अभी घंटे डेढ़ घंटे में मामला है वो सुलझ जाएगा, आपस में इनका मामला है। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, जूता जूता की और कोई नहीं, पूरा ढाई समाज को चप्पल दिखाइए, कोई नहीं कोई नहीं कोई कोई नहीं 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 एक 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो एक मिनट शांति रखो, बैठ के सुलझा ले, नहीं नहीं शांति रखो शांति रखो शांति रखो शांति रखो शांति रखो, निमट जाओ, शांति रखो शांति शांति रखो शांति, यहाँ पर शांति रखो, बैठ के सुलझाओ मामलो, बैठ के सुलझा रहे हैं, कर रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम रखो। तो यहाँ पर भाई मजदूरों की आपस में लड़ाई बताई जा रही है और मामला इतना तूल पकड़ गया कि सारे जो मजदूर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं अनाज मंडी में और आग बबूला हो जाते हैं। तो सभी साथियों से और ये नारेबाजी भी कर रहे हैं, जोन सी है ये जैसे के थप्पड़ मारा इनको और इनका लोन लिया, वो पैसे भी नहीं, कोई बात नहीं। तो हाँ जी, तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यहाँ पर अनाज मंडी में मामला है वो गरमा चुका है। भाई साहब इधर आओ, पूरा क्या मामला है आपके समझ में आया, कोई समझ में आया क्या? हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम सोम कुमार है और अनाज मंडी मजदूर यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूँ जी मैं। और कल मामला ऐसा हुआ, हमारी बहन बेटियाँ जो मंडी में काम करती हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, जो सरकार का भी कहना है नारी शक्ति को बढ़ोतरी दो, उसके तहत भी हम भी साथ मिलकर मेहनत कर रहे थे। तो एक जो लेबर वाला था, छः नंबर पर दोनों लेबर वाले काम कर रहे थे, एक लेबर वाले ने दारू वगैरह शराब वगैरह पी के और हमारी बहन के माँ के साथ मतलब बदतमीजी की, बदतमीजी करने के बाद उसको धक्का मारा, उसको गालियाँ निकाली है जाति सूचक, लेकिन उसके बाद चलो ठीक है, उसका लड़का सामने खड़ा था तो वो क्यों बर्दाश्त करे अपनी माँ के साथ ऐसी बदसलूकी, कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है मैं मानता हूँ उसका वे गलत था, वो कानूनी सहारा ले सकता था, लेकिन चलो उनकी आपस में मार कुटाई होती है। तो एक आड़ती एसोसिएशन के उप प्रधान भी हैं अपने सुशील कसवा जी और उनके मुंशी हैं जो प्रदीप कुमार, जो स्वयं मतलब लाखों रुपए के घपले में शायद फंडिंग का कोई मामला था, उस मामले में मतलब बैंक के खाते वगैरह लेके उनमें घपले करके लाखों रुपए उसने मतलब धनराशि को कबाड़ा किया है, उसके मामले में संलिप्त है। उसने खुद ने मतलब इनको पीछे से फेवर करके एक साइड का मामला सुलझाने की बजाय फेवर करके हमारे जो एक लड़का था, उस लेडीज़ का लड़का था, उसके खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया है। और ऊपर से प्रशासन का कहना है कि कोई बंदूक वगैरह उसके पास थी, जबकि अगर बंदूक होती तो वही यहाँ मिट्टी फाँकने की बजाय कोई और कार्य करता, क्यों ना करता। अब यदि हम मेहनत कर रहे तो हमारे ऊपर ऐसे झूठे आरोप भी ना लगे, और यदि हम शांतिपूर्वक वो कर सके प्रदर्शन कर रहे हैं धरना कर रहे हैं, तो बताओ इन एक 47 की आवश्यकता ना हो, मजदूरों के खिलाफ एक 47 की कोई आवश्यकता नहीं होती आपके सामने। अब बैठ के मामला सुलझा लिया जाएगा, हाँ मामला लगभग बातचीत हुई, आश्वासन दिया मनोहर मेहता जी ने कि मामला सुलझा लिया जाएगा और जल्द से जल्द मतलब कोई केस वगैरह दर्ज नहीं होगा, इस मामले को दोनों पक्षों को बिठाकर आपस में निपटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मामला है वो जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और दोनों पक्षों को बिठाकर मामले को सुलझा लिया जाएगा और घंटे डेढ़ घंटे में दोनों पक्षों को बिठाकर मामले को शांत कर दिया जाएगा, ऐसा आड़ती मंडी के जो प्रधान है उनका कहना है। और यहाँ पर सभी मजदूर है वो आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन घंटे डेढ़ घंटे में ये मामला है वो सुलझ जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और आप देख सकते हैं पूरे जो मजदूर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद में जो आड़त की दुकान है वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाते हैं और नारेबाजी करते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि हमें गालियां निकाली गई, कपड़े फाड़े गए और हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया और हमारे लड़के को गलत आरोप में फंसाया गया कि इसके पास पिस्तौल है, अगर हमारे पास पिस्तौल होती तो हम क्या यहाँ मजदूरी करते, हम कोई और काम नहीं करते। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये मामला है वो जल्दी शांत हो जाएगा। और मैं सभी मजदूर भाइयों से भी अपील करूंगा कि कृपया करके
मामले को भड़काए न और यहाँ पर शांति बनाए रखे, मामले का जल्दी समाधान हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो सभी साथियों से गुजारिश, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।